हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मुझ बन मटन कसा, तो देख मोर मटनटा के यम्मी दिशुचे आ बहुत इजी रेसीपी रे मुझ बनई छेटा। आपण मैंने सियोर भिडियो के लास्ट तक देखे, स्किप नाई करेंगे बिल्कुल भी। आ मोर चैनल के जदि सब्सक्राइब नाई करी तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करूँ। तो चलो भिडियो के स्टार्ट करमा। लगे आम नहीं 750 ग्राम मटन, कलजीर भी गोटे रेसीपी सेयार करमी। तो इनु आम कलजी के 250 ग्राम नहीं, टोटल आम के जे इंचमा केन्ता केन्ता आम का बनाऊ जे। आ मोर चैनल के सब्सक्राइब करबे, आउ सबू वीडियो में प्लेलिस्ट रे ऐड कर देछे, आपण सेटा जाई करे सियोर देखबे। तो इटा आमर होउछे 750 ग्राम मटन। तो आम गोटे न्यू स्टाइल रे बने करी खाइसु, सेटा आमको बहुत भल लागसी। आशा करछे आपण मानको भी बहुत भल लागबा। तो चालुन में बतौछ केन्ता केन्ता काना करसु जे। डेक्ची रे पानी टिके नेछु, आउ हल्दी मिसे करी ताके फुटे दौ भल कर। इनु आमर पानीटा भल कर फुटी गलान, आम इनु मटन के अच्छे देदेमु। इनु आम मटन के दे देछु तेल गुटे चामच देछु। एंता करबार द्वारा भल कर सिसी आ टेस्ट भी बहुत भल आसी। मुन टेस्ट हिसाब से देवे आपन अच्छे। आम इटा के डाबी दौ कि आम डाबी देचु सिझभार के देमु अच्छे। आम इनु आम डेक्चीटा गरम हो गलान, मुई इनु 5 चामच सोरसो तेल यूज करुछे। अच्छे मुई इनु जोड़े तेजपतर दे दीछे आ चीनी टिके दीछे टिके कलर आसवा बोली। आ इनु मुई 3टा प्याज नहीं थी काटी दे ताकि पूरा भल करी इताके इनु दे देसी। प्याज तो मैं एंती करे भाजी दो छु भल करे फ्राई होवे कोई रेड गोल्डन ब्राउन हेबा तो किताके फ्राई करमा। अमर प्याज के अछन पूरा भल करे फ्राई हे गला ना, एते ही फ्राई करबर होचे। अदा लहसुन जीरा रो पेस्ट करथली, एटा 3 चामच यूज कर छु। इतनो एटा दे करे टिके भल करे फ्राई कर दमा। आमे जे तो मटन कसा बनु छु तो भल करे मसला भी कसवार के पड़बा, ना तो तार रॉ स्मेल माने आसुतु मानो। भल करी फ्राई कर दीछे मीडियम फ्लेम रे करके 2 मिनट रखी दूँ। तापर ये जो मैं फ्राई कर दे लेके फ्राई करमी। इनु मुई नहीं छे प्याज अदा लहसुन रो पेस्ट, इटा होछे 5 चामच। तो इनु दे दऊ छे इके देख के भी फ्राई कर दमा। के टिके फ्राई कर दीछे मैं, आ मीडियम फ्लेम करके रखी दऊ इता के टिके तर रॉ स्मेल मैंने नुहे जाए न मसलार। तो मुझे इनु चिली पाउडर दौछे, आम बेसी मिर्चा नहीं खाऊ तो हेती मुझ कम देखे मिर्चा को। हल्दी चमचे ताके मिक्स कर दौछे मुझे। मुझे कश्मीरी लाल मिर्च टिके देछे कलर भल आसवा बोली। मुझे टिके भल कर फ्राई कर देछे, फिर भी आम गैस रे रखी देछु टिके इटा भल करी हो तो मसला माने मसला के एंता करी फ्राई करू थी ना तो इटा लटकी करी पुड़ी जीवा तले लागी जीवा। इटा इनु मुई गरम मसला 2 चामच देछे, आ गरम मसला देखो टिके पानी देछे इटा के फ्राई करू छे। इनु मुई मसलाटा कसी देछे, आमे ई हिसाब रे करछु, आपन माने केन हिसाब रे करछन सेटा मुई नाइ जानी, बाकी एंता करी देखबे थोरे बहुत भल लागसे। आछन मुई मटन के सब दे मटन के मुझे अच्छा दे दीछे आटा के भल कर कसी देमी। मटन के दे कर मिक्स कर दीछे मसला संगे, आते बेले आम नून दे सीझाला बेले तो आ नून दे ना लगे थे। 8 ग्राम मीट मसला पैकेट है, आम पूरा गोटे पैकेट इटा देमी के बाकी से सीझाला पानी जेन थी से दे दूचे। इनु मसला दे कर ही सांगे सांग से पानी टिके बाकी देवे पूरा जस्ट टिके। पूरी मिक्स कर दीछे मसला संगे मीट मसला दे कर 5 मिनट लगे मुझे इटा डाबी कर रखी दौछे। डाबनी अलगे कर भल कर इटा घाटी दौछे। अच्छा जेन सीझाला पानी थी से दे दौछे इनु दे कर पानी देकर इटा घाटी दौ भल कर
मिक्स कर दूसरे पूरा भल कर भेजबाइटा सब तो आम इन जिते बिल मटन कषा करुँ से ग्रेवी नहीं भल ना लगे मटन टा सुखा सुखा तो मुझे आउ टे इन पानी दे दूचे गैस के मीडियम फ्लेम करके बॉइल हेबार तक देमा तापर देखा मुझे आपन को मटन कषा टाइन बिल्कुल पूरा रेडी गलान टिके टिके ग्रेवी होचे एत ग्रेवी नहीं भल ही नहीं लगे तो एत ग्रेवी आम रखमु तो मुई आपण मानक सर्व करना देखामी आशा करुचे आपण मानक मोर भिडटा भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मोर चैनल के निजर फ्रेंड्स और फैमिली संगे शेयर करेंगे। थैंक यू।